जय साथियों, आज हम बात करेंगे कब सेकंड मैरिज एक अपराध नहीं है। वैसे तो कोई सेकंड मैरिज यदि हस्बैंड वाइफ में से करता है तो एक अपराध है, जिसके अंदर 7 साल तक की सजा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिसके अंदर सेकंड मैरिज एक अपराध नहीं है। तो सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 की बात करता है, जो यह कहता है यदि कोई हस्बैंड यदि कोई दूसरी शादी करता है, उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ हो गई हो, तब यह एक अपराध नहीं है। वाइस वर्सा, यदि वाइफ दूसरी शादी करती है, उसके जो फर्स्ट हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, यदि वह दूसरी शादी तब करती है तब एक अपराध नहीं है। नंबर सेकंड, उनकी जो मैरिज है, हस्बैंड यदि दूसरी शादी करता है, उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वह वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट के द्वारा। सेम ऐसे ही यदि वाइफ दूसरी शादी करती है, उसकी फर्स्ट मैरिज है वॉइड डिक्लेयर कर दी गई, यानी शून्य डिक्लेयर कर दी गई है कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट के द्वारा। नंबर थर्ड, उनकी मैरिज सब्सिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि उनका डाइवोर्स हो गया है, तब वह दूसरी शादी कर सकते हैं, तब एक अपराध नहीं है। नंबर फोर्थ, यदि हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो उसकी फर्स्ट वाइफ के बारे में 7 साल तक वह एब्सेंट है और उसके बारे में पता नहीं है वह कहाँ है, ना उसके बारे में सुना है, तो तब वह दूसरी शादी कर सकता है, तब वह एक अपराध नहीं है। लेकिन जिस दूसरे व्यक्ति से वह शादी कर रहे हैं, यानी हस्बैंड यदि किसी और औरत से शादी करता है, सेकंड मैरिज करता है, तो उसके बारे में फर्स्ट मैरिज के सारे फैक्ट्स उसको बताने होंगे।